फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 20 बॉलीवुड मूवीज की लिस्ट, वो भी ईयर 1995। तो वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये आप लोगों में से ही किन्हीं चार लोगों की रिक्वेस्ट पर है, जिनके नाम मैं एक एक करके लेना चाहूंगा। उनके नाम है मनीष कुमार आहूजा, अमित, गणपत सरमरिया और फुरकान फरीद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है, ये एक रैंकिंग वाइज वीडियो होगी, यानी मैं स्टार्ट करूंगा नंबर 20 से। तो नंबर 20 पर थी बाजी, जो आई थी 14 अप्रैल 1995 को। इस मूवी को आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था। इसमें आमिर खान और ममता कुलकर्णी लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड एक्शन फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 19 या राणा, जो आई थी 20 अक्टूबर 1995 को और इस मूवी के साथ क्लैश हुई थी शाहरुख खान की फिल्म DDLJ। तो या राणा, जो आई थी 20 अक्टूबर 1995 को, इस मूवी को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित, राज बब्बर और कादर खान लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 18 रावण राज, जो आई थी 23 जून 1995 को। इस मूवी को टी रामा राव ने डायरेक्ट किया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, शक्ति कपूर और मधु लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 17 अंगरक्षक, जो आई थी 17 नवंबर 1995 को। इस फिल्म को रवि राजा ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, पूजा भट्ट लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड एक्शन फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 16 हलचल, जो आई थी 4 अगस्त 1995 को। इस मूवी को अनीस बस्मी ने डायरेक्ट किया था। इसमें विनोद खन्ना और उसके बाद अजय देवगन और काजोल लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड एक्शन फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 15 ना जायस, जो आई थी 17 मार्च 1995 को। इस फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इसमें नसीरुद्दीन शाह, अजय देवगन और जूही चावला लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 14 आंदोलन, जो आई थी 3 मार्च 1995 को। इस मूवी को अजीज से जावल ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजय दत्त, गोविंदा, ममता कुलकर्णी लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 13 हम दोनों, जो आई थी 11 अगस्त 1995 को। इस फिल्म को शफी इनामदार ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर, नाना पाटेकर, पूजा भट्ट और मोनीश भैल लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 12 हकीकत, जो आई थी 29 दिसंबर 1995 को। इस मूवी को कुकू कोहली ने डायरेक्ट किया था। इसमें अजय देवगन और तब्बू लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 11 अकेले हम अकेले तुम, जो आई थी 30 नवंबर 1995 को। इस मूवी को मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था। इसमें आमिर खान और मनीषा कोयराला लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 10 दी गैम्बलर, जो आई थी 8 दिसंबर 1995 को। इस मूवी को दयाल निहालानी ने डायरेक्ट किया था। इसमें गोविंदा, शिल्पा शेट्टी और आदित्य पंचोली लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड सस्पेंस एक्शन फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 9 त्रिमूर्ति, जो आई थी 22 दिसंबर 1995 को। इस मूवी को मुकुल आनंद ने डायरेक्ट किया था। इसमें अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान और गौतमी लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 8 राम जाने, जो आई थी 30 नवंबर 1995 को। इस मूवी को राजीव मेहरा ने डायरेक्ट किया था। इसमें शाहरुख खान और जूही चावला लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड क्राइम ड्रामा फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 7 सबसे बड़ा खिलाड़ी, जो आई थी 9 जून 1995 को। इस फिल्म को उमेश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। इसमें अक्षय कुमार, ममता कुलकर्णी, मोनीश बहल और गुलशन ग्रोवर लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड एक्शन फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 6 कुली नंबर 1, जो आई थी 30 जून 1995 को। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। इसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 5
बरसात जो आई थी 29 सितंबर 1995 को, इस मूवी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। इसमें बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 4 रंगीला जो आई थी 8 सितंबर 1995 को, इस मूवी को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था। इसमें आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मंटोटकर लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 3 राजा जो आई थी 23 जून 1995 को, इस मूवी को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय कपूर लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक मूवी थी। रैंकिंग नंबर 2 करण अर्जुन जो आई थी 13 जनवरी 1995 को, इस फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, राखी, काजोल, ममता कुलकर्णी और अमरीश पुरी लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म थी। अब आते हैं वन एंड ओनली रैंकिंग नंबर 1 DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो आई थी 20 अक्टूबर 1995 को, इस मूवी को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इसमें शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी लीड रोल में नजर आए थे और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।